जिसकी जर्नी शुरू हुई बिग बॉस के घर में, तो लोगों ने इनका हंसी मजाक का अंदाज बहुत ज्यादा पसंद किया और इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बिग बॉस के खत्म होते के साथ ही जहां एक तरफ बाकी सभी घर वाले चल करते हुए दिखाई दिए, तो वहीं शहनाज जुड़ गई अपने नए काम में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आरती। दरअसल आज हम आपसे अपनी इस रिपोर्ट में खास तौर पर बात करेंगे शहनाज कौर गिल के बारे में, जो कि बेसिकली पंजाब से बिलोंग करती हैं। पंजाब इंडस्ट्री में इनका एक जाना माना नाम है, तो वहीं आज तक शायद बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन्होंने रुख भी नहीं किया हो, लेकिन अब कई तरह के बड़े बड़े काम के ऑफर इन्हें मिल रहे हैं, जो कि इनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशखबरी तो है ही। ऐसे में फिनाले के बाद आज हम आपसे अपनी इस रिपोर्ट में शहनाज गिल के बारे में बात करने जा रहे हैं। उनकी जिंदगी के कई ऐसे तथ्य होंगे जिन्हें आप नहीं जानते होंगे, और कहीं ना कहीं आप जब ये तथ्य सुनेंगे तो अपने आप ही काफी ज्यादा हैरान भी हो जाएंगे। चलिए फिर नजर डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट पर और आपको बताते हैं शहनाज गिल के जीवन से जुड़े कुछ सच के बारे में। वैसे तो छोटे और बड़े पर्दे पर खूबसूरती की कोई कमी देखने को नहीं मिलती, लेकिन बात की जाए अगर पंजाबी इंडस्ट्री के बारे में, तो वहाँ भी एक से बढ़कर एक खूबसूरत अभिनेत्रियों का नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और आज हम आपसे बात कर रहे हैं पंजाब की कैटरीना कैफ यानी कि शहनाज कौर गिल के बारे में, जो कि एक अभिनेत्री होने के साथ साथ मॉडल, डांसर और गायिका भी हैं। चलिए आज आपको उनसे जुड़े कुछ तथ्य बताते हैं। जी हाँ, शहनाज कौर गिल, जिन्हें लोग प्यार से सना के नाम से बुलाते हैं, जिनका जन्म 27 जनवरी 1993 को अमृतसर में हुआ। वहीं आपको ये भी बता दे, सना यानी कि शहनाज, जो कि सिख परिवार से बिलोंग करती है। और उसके बाद आपको ये बता दे कि जो मजे दी जत्ती नाम मशहूर वीडियो से शहनाज कौर गिल को पॉपुलैरिटी मिली, फिलहाल उन्हें असली पहचान तो बिग बॉस के घर में मिली है। जी हाँ, आपको बता दे बिग बॉस के घर ने उन्हें नाम दिया, शोहरत दी, पॉपुलैरिटी दी, पैसा दिया, सब कुछ दिया। वहीं अब शहनाज कौर गिल नजर आ रही है अपने नए शो मुझसे शादी करोगे। काफी ज्यादा विवाद इनके शो को लेकर उठ रहे थे, लेकिन सभी विवादों के खत्म होते ही इन्होंने अपने शो के लिए हाँ कर दी और अब ये अपने लिए तलाश रही हैं दूल्हा। जी हाँ, दरअसल आपको ये बता दें कि इस शो का सिर्फ और सिर्फ मकसद एंटरटेनमेंट है। अगर शहनाज चाहें तो वो शादी कर भी सकती हैं और चाहें तो नहीं भी कर सकती। चलिए अब बात करते हैं शहनाज गिल की जिंदगी के बारे में। 27 जनवरी 1993 को जिनका जन्म हुआ वो है शहनाज, जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से की। वहीं आपको ये भी बता दें कि जितना ये मशहूर पंजाब इंडस्ट्री में नहीं हो पाई, वो इतना ज्यादा बिग बॉस के घर में हो गई। जी हाँ, आपको बता दें निजी जीवन में वो सबके सामने खुलकर नहीं आती है। दुनिया की लाइमलाइट से वो हमेशा दूर रहना पसंद करती थी। इन्हीं के साथ इनके भाई शहबाज, जिन्हें आजकल आप बखूबी जान रहे होंगे, अपनी बहन शहनाज को लेकर ये भी सुर्खियों में बने रहते हैं। और बात की जाए अगर शहनाज के रिलेशन के बारे में, तो दरअसल शहनाज को हमेशा ही ये कहते हुए पाया गया है कि वो सिंगल है, उनका कोई रिलेशन किसी के साथ नहीं है। जब भी उनसे डेट की बात पूछी जाती है तो वो हमेशा यही कहती हैं कि वो अपने काम के प्रति सबसे ज्यादा समर्पित है और वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती है। और इसी के साथ वैसे आपको ये भी बता दें कि उनका नाम कई लड़कों के साथ जोड़ा जा चुका है, और सिद्धार्थ को लेकर वो कितना ज्यादा पागल है ये तो आप सभी ने शो के दौरान जरूर देखा होगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि शहनाज कौर गिल, जहां उनकी जिंदगी आपको इतनी आसान लग रही है, तो दरअसल उनकी जिंदगी इतनी आसान भी नहीं थी।
शहनाज कौर गिल, जो कि उनका पूरा करियर ही मानो विवादों में घिर गया था जब साल 2020 में हिमांशी खुराना पर उन्होंने एक टिप्पणी कर दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा उस समय सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल हिमांशी खुराना का एक गाना आई लाइक इट शहनाज को पसंद नहीं आया, जिसको लेकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर हिमांशी के बारे में कई सारी उल्टी सीधी बातें कही, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ गए और सोशल मीडिया पर एक दूसरे को बदनाम इन दोनों ने करना शुरू कर दिया, जिसके चलते ये दोनों ही सुर्खियां में आ गई और इतनी ज्यादा सुर्खियों में आई कि दोनों ही बिग बॉस के अगले सीजन में हमें देखने को मिली। वही बात की जाए अगर शहनाज के बारे में तो इनके कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ इस प्रकार से है कि बचपन से ही जिन्हें डांस करना का शौक था और अब देखिए शहनाज कौर गिल का सपना कहीं ना कहीं जो है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इनसे एक दिलचस्प बात इनकी जिंदगी से ये भी जुड़ी हुई है जो कि आपने जरूर सुना होगा। शहनाज कौर गिल जो कि अपने माता पिता के साथ नहीं रहती, शो के दौरान तो शहनाज कौर गिल का अटैचमेंट उनके पापा और उनके भाई के साथ हम सभी को देखने को मिला। लेकिन वही बात की जाए घर के अंदर जाने से पहले की तो आपको बताना चाहेंगे शहनाज कौर गिल अकेले रहती थी जबकि उनका परिवार अलग रहता था। इसके ऊपर परिवार का रिएक्शन भी आया था और यहाँ पर शहनाज ने भी एक बार रिएक्शन दिया था। दरअसल शहनाज को ये पसंद नहीं है कि कोई भी उन्हें रोक टोक करे, वो किसी की नहीं सुनती और ये तो हम सभी ने बिग बॉस के घर में बखूबी देखा। कुछ भी हो जाए उन्हें करनी तो सिर्फ अपनी ही होती थी। शहनाज का ट्रैक पाके काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी शहनाज ने यहाँ पर बटोरी है। वहीं अब शहनाज के लोग दीवाने हो चुके हैं और अब शहनाज से लोग शादी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। बता दें आप लोगों को, जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं कलर्स टीवी पर इस दौरान शहनाज कौर गिल का नया शो आ रहा है जिसमें वो अपने लिए ढूंढ रही हैं दूल्हा। जी हाँ, इस शो का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है। वहीं इस शो का हिस्सा बन रहे हैं पारस छाबड़ा भी। पारस छाबड़ा और शहनाज की नोक झोंक हमें बिग बॉस के घर में तो खूब देखने को मिली। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस शो के दौरान इन दोनों के बीच में क्या कुछ वाद विवाद होते हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे या फिर एक दूसरे से कम्पीट करेंगे। वही कई विवाद तो जुड़े ही हैं शहनाज की जिंदगी से, लेकिन दर्शकों का ऐसा कहना है और उनके फैंस का ऐसा कहना है कि वो बिल्कुल भी फेक नहीं है। जी हाँ, शहनाज के दौरान शहनाज को फेकनाज का नाम भी दिया गया था। लोगों का ऐसा मानना था कि ये जोड़ी जो है वो पूरी तरीके से फेक है। इस जोड़ी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। शहनाज के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी हमें जरूर बताएं। शहनाज कौर गिल, जहां एक तरफ इन्होंने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी बटोरी है तो वहीं कई लोग इनकी निंदा करते भी थक नहीं रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि शहनाज पूरी तरीके से फेक है। लोगों ने इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन ये तो मानना होगा कि बिग बॉस के घर में आने के बाद शहनाज कौर गिल की पॉपुलैरिटी में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। ना केवल पॉपुलैरिटी बढ़ी है बल्कि इन्हें काम के भी कई ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन इनके जीवन से जुड़े कई ऐसे सच हैं जिनसे रूबरू होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए थे ये खास रिपोर्ट जिसमें हमने आपको शहनाज गिल के जीवन से जुड़ी कई बातें बताई, इनका रिलेशन किसके साथ, इनके पिता क्या करते हैं इनके घर में और कौन कौन है, इन्होंने कहां से शिक्षा ली, ये तमाम बातें आज हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताई। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज को।